अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह दोस्तों, मेरा नाम जिशान है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि डाक टिकट की डोमेन को ब्लॉगर के साथ कैसे अटैच किया जाता है। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले तुमसे गुजारिश है मेरे चैनल के ऊपर सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल के आइकन के ऊपर क्लिक करके आने वाली मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल कर लें। फ्री नॉन डॉट टिकट की डोमेन के पैनल को आप लॉग इन कर लें, ये देख सकते हैं आप डॉट टिकट, और उसके बाद अपना जो भी अकाउंट है आप उसको लॉग इन कर लें, और जो भी डोमेन आपके पास है रजिस्टर आप उस डोमेन को अटैच करें आप ब्लॉगर के साथ। वो आपको मैं तफसील में बताऊंगा कि कैसे अटैच किया जाता है। ये देखिए लॉग इन माई अकाउंट फ्री नॉम, यहाँ पे क्लिक करें जैस, और गूगल प्लस के साथ आप साइन इन कर लें। यहाँ पे मैंने क्लिक किया है और ये मैंने इसको गूगल प्लस के साथ साइन इन कर लिया है। ठीक है दोस्तों, साइन इन करने के बाद जो डोमेन आपने ब्लॉगर के साथ अटैच करनी है, जिस ब्लॉगर के साथ, आपने उस ब्लॉगर को ओपन कर लेना है। ठीक है दोस्तों, और ये देखिए सर्विसेज के ऊपर, जैसे कि माय डोमेन के ऊपर, यहाँ पे लॉग इन करने के बाद जो आपने डोमेन रजिस्टर किया है उसके बाद आपने जाना है माय डोमेन के ऊपर। ये देखिए मैंने माय डोमेन के ऊपर क्लिक कर लिया। इसके बाद आप चले जाएं मैनेज डोमेन, यहाँ पे जैसे आपने क्लिक करना है मैनेज डोमेन के ऊपर, और ये देखिए आपने जब मैनेज डोमेन के ऊपर क्लिक किया है तो यहाँ पे आएगा मैनेज फ्री नॉम डीएनएस। तो यहाँ पे आपने जस्ट क्लिक करना है फ्री नॉम के ऊपर, और कुछ इस तरह के आपके पास ये देखिए रिकॉर्ड का ये सेक्शन खुलेगा। ठीक है, उसके बाद आपने चले जाना है आपके अपने ब्लॉगर के ऊपर। ब्लॉगर के ऊपर जाने के बाद आपने सबसे ऊपर जाना है सेटिंग के ऊपर। देखिए सेटिंग के ऊपर मैंने क्लिक किया है, अब बेसिक के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया है। ठीक है दोस्तों, बेसिक के ऊपर क्लिक करने के बाद ये देखें थर्ड पार्टी यूआरएल फॉर योर ब्लॉग, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। जस्ट जो डोमेन मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ वो मैं आप देखें यहाँ पे लगाऊंगा। जो डोमेन मैंने यहाँ पे लगानी है वो डोमेन ये है, आपने इस जगह पे लगाना है वो डोमेन ये। देखें फॉर एग्जाम्पल मैंने ये फ्री डोमेन यहाँ से बाय किया है, मैं अपनी डोमेन पे चला जाता हूँ, बैक किए देता हूँ, फिर दोबारा मैं वापस लगाऊंगा। तो मेरी ये डोमेन थी, ये देखें ये वाली gizview.tk, मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आपने जाहिर बात है यहाँ पे www तीन पार w लगाना है, फिर डार लगाने के बाद जो आपका डोमेन है वो वहां पे पेस्ट कर देना। ठीक है, जब आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो जब आप इसको सेव करेंगे, ये देखें सेव को मैंने क्लिक किया है, तो ये कुछ इस तरह के ऑप्शन आएंगे। ठीक है, तो जब आपने सेव करना तो ये ऑप्शन ये देखिए www वाला भी आपने उठाना है, इसको मैं क्लिक करता हूँ, कॉपी करता हूँ, और फिर मैंने वहां पे मैनेज पे चले जाना है। ये देखें मैनेज फ्री नॉम डीएनएस, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा तो इसके डीएनएस का जो है पैनल यहाँ से ओपन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब ये पैनल ओपन होगा तो मैंने ये सारा कार्ड डालना है। देखे पेस्ट किया है, और ये जो ए है इसको मैंने सी नेम के साथ ठीक है चेंज किया है, तो दूसरे को भी मैंने उठाना है www गूगल वाले को भी। कॉपी किया और मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है, ऐड मोड पे गया हूं मैं, और मोड पे जाने के बाद मैंने ये कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, इसको मैंने सी नेम को दे दिया। ठीक है, सी नेम देने के बाद फिर मैंने ये वाला इसका कॉपी किया है, ठीक है, सेकेंड वाला, और फिर मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, ठीक है, अब और जो है इसकी जो रिकॉर्ड्स हैं डीएनएस के हैं वो चार किस्म की आईपीज होती हैं, वो ब्लॉगर वाले आपको खुद देते हैं। ठीक है, वो यहाँ से आपने लेने हैं, देखें वो आप इधर चले जाएं, डीएनएस फाइल के ऊपर भी जा सकते हैं आप, और ये देखें वीडियो रजिस्ट्रेशन के ऊपर भी जा सकते हैं, इंस्ट्रक्शन एंड सेटिंग के ऊपर भी जा, इंस्ट्रक्शन एंड सेटिंग के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो ये आईपीज देंगे। ठीक है, ये आईपीज आपने कॉपी करके वहां डालनी होगी, ये कॉपी किया मैंने आईपीज, ये सेटिंग के ऊपर आएगा। ठीक है, तो फिर ये कॉपी करने के बाद मैंने इसका पैनल खोला फ्री नॉन का, ठीक है, ऐड मोर पे गया, ये इसी तरह रहेगा, यहाँ पे कॉपी की, फिर और तीन और ये चार, ठीक है, सारे मैंने उठाए यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे मैं अब पेस्ट करता जाता हूँ, ये देखें, और इसका मेरे से तलक नहीं, इसको मैं बंद कर देता हूँ, ये दूसरी तीसरी आईपी मैंने उठाई और ये कॉपी की
और ये चौथी उठा के मैंने कॉपी की, ठीक है। जब ये आप कॉपी करके इसको सेव करेंगे ना सेव चेंज पे, तो ये आपसे कहेगा कि 5-10 मिनट के लिए आप वेट करें। और जब आप वेट करेंगे तो 5 मिनट के बाद आपको ये देखें यहाँ पे जाना है और सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। अब मैं आपको बताता हूँ, अभी फिलहाल सेव चेंज के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये देखें आपके सामने सेव चेंज के ऊपर मैंने क्लिक किया है। तो जैसे मैं सेव चेंज के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये जितना भी मैंने रिकॉर्ड दिया है इसमें ये सारा का सारा डेटा सेव हो जाएगा। और जब ये सेव होगा तो 5 मिनट का ये कहेगा आप वेट करें, उसके बाद आप डोमेन ब्लॉगर के साथ लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये सारे रिकॉर्ड जो हैं सेव हो चुके हैं, एक दो एरर दिए तो बाद में ये एरर आपको मिल जाने सामने आ जाने, लेकिन ये सारा रिकॉर्ड जो है आपके सामने सेव हो चुका है, ठीक है दोस्तों। आपको सेव जब आप इसको सेव करेंगे तो ये इस तरह का कुछ आपके पास आएगा सक्सेसफुली का, ठीक है। ये सारा डाटा जो है सेव हो चुका है। तो 5 मिनट वेट करने के बाद आपने यहाँ पे जाना है और ये देखिए सेव के ऑप्शन के ऊपर आपने जस्ट क्लिक कर देना है, ये देखें, और ये डोमेन इसके ऊपर अब सेव हो जाएगी। ये देखिए ये डोमेन आपकी सेट हो चुकी है इसके साथ। अब यहाँ पे इसको भी आप सेव कर लें तो ये दोनों रिकॉर्ड आपके पास सेव हो चुके हैं। जैसे मैं एडिट पे क्लिक करूँगा आपने रीडायरेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है, और उसके बाद इसको सेव कर लेना है। तो यहाँ तक जो प्रोसेस था, डोमेन आपकी जो है फ्री जो के टीके की डोमेन है वो आपके ब्लॉगर के साथ अटैच हो चुकी है। ये देखिए जब मैं व्यूज़ पे करूँगा तो ये डोमेन आपको रिस्ट्रिक्ट करके डॉट टीके की डोमेन के ऊपर चली जाएगी। थोड़ा टाइम लेगी 5 मिनट तक, ये देखिए 5 मिनट के बाद आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये बिल्कुल मेरी साइड ओपन हो जाएगी। अभी 5 मिनट तक मैं वेट करता हूँ, उसके बाद ये मैं दोबारा ओपन करूँगा। तो ये देखिए मेरी डोमेन अब हो चुकी है अटैच, ठीक है। 5 मिनट भी गुजर चुके हैं, अब मैं दोबारा ये देखें रिफ्रेश करूंगा इसको तो ये व्यू ब्लॉक करूंगा तो आपके सामने ये मेरा डोमेन ओपन हो गया। ये देखें डॉट टीके की डोमेन जो है वो मेरी वेबसाइट के ऊपर चढ़ चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ मेरा आज का ये वीडियो टेक्निकल जो था आपको पसंद आया होगा। जिन लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन के ऊपर क्लिक करके मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।